नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। पुलिस मुठभेड़ में ट्रक लुटेरा घायल। थाना सराय इनायत क्षेत्र के अंतर्गत सहसो चौकी क्षेत्र में गांव अमर शाहपुर में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति किसी गंभीर घटना को करते हुए उद्देश्य से क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस पार्टी के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी समय एक व्यक्ति को चेकिंग के लिए रोका गया तो उस व्यक्ति के द्वारा बैरियर तोड़ते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी जिससे वो घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। मुठभेड़ में घायल के पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस तथा एक बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में इस घायल व्यक्ति की पहचान मसूद आलम उर्फ बॉर्डर के रूप में हुई है जो कि राजापुर मलवा थाना सोराव का रहने वाला है। मसूद ने बताया कि कल प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र से इसने अपने साथियों के साथ एक ट्रक को लूट लिया है। उस ट्रक को प्रयागराज ले जाया जा रहा था। इनकी निशानदेही पर लूटी गई ट्रक को बरामद कर लिया गया है तथा इसके अन्य साथियों की तलाश पुलिस कर रही है। इस व्यक्ति के ऊपर प्रयागराज, फैदाबाद, जौनपुर की विभिन्न थाने में मुकदमे भी दर्ज हैं। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। आज थाना सराय न्याय क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति संदिग्ध रूप से देखे गए हैं। इसी संदर्भ में पुलिस ने थाना सराय न्याय क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग का अभियान लगाया हुआ था। इसी क्रम में एक व्यक्ति को जब चेकिंग के दौरान रोका गया तो वह व्यक्ति पुलिस को बैरियर तोड़कर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगा। इसी क्रम में पुलिस ने आत्मरक्षा गोली चलाई जिसमें उस व्यक्ति के पैर पर गोली लगी है और वह घायल हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में उस व्यक्ति का नाम मंसूद आलम पता चला है। इस व्यक्ति ने अपने कुछ साथियों के साथ कल थाना कुंडा क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापगढ़ से एक ट्रक को लूटा था और उस ट्रक को लूटकर ये प्रयागराज ले आए थे। इनकी निशानदेही पे उस ट्रक को बरामद कर लिया गया है। इस व्यक्ति के ऊपर प्रयागराज, जौनपुर और फैजाबाद, इन तीनों शहरों के विभिन्न थानों पे मुकदमे दर्ज हैं। इस व्यक्ति को अस्पताल भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।